8 मार्च की शिवरात्रि का पर्व इस बार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी महाकाल मंदिर को फूलमय कर दिया गया है। इस बार दुर्लभ संयोग में शिवरात्रि मनाई जाएगी। अगर कोई भक्त शिव भगवान की कृपा पाने के लिए या अपनी मनोकामना या इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान को जलाभिषेक करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। केवल शिव भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा की असीम कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य रवि शुक्ला जी से जानते हैं रुद्राभिषेक कैसे करें, कब करें। शिव शंकर मीशानम द्वादशाध्याय त्रिलोचनम उमया सहितम देवम शिवम आवाम्यहम। भगवान शिव जी की महारात्रि महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम मनाने जा रहे हैं। 8 मार्च को ये पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन भगवान शिव जी को जलाभिषेक करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई रोगी व्यक्ति भगवान शिव जी को जल चढ़ाता है तो उसका रोग दूर होता है। विद्यार्थी यदि जल चढ़ाता है भगवान शिव जी को तो उसको विद्या की प्राप्ति होती है। और अन्य व्यक्ति जो भी अपनी मनोभिलाषा रखते हुए भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन महाशिवरात्रि पर जल का अभिषेक करते हैं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी को इस दिन बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, बिल्व फल चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी को सत्य पूर्वक यदि बिल्व पत्र चढ़ाया जाए, ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए तो शिवरात्रि से बढ़कर और कोई रात्रि नहीं मानी गई है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इस रोज भगवान शिव माता पार्वती के साथ भक्तों को आशीष प्रदान करने के लिए उद्धत रहते हैं। कहते हैं कि जो भगवान शिव जी को इस दिन जल चढ़ाता है, भगवान शिव सोचते हैं कि मैं इसको क्या ना दे दूँ, इसको कुबेर का भंडार दे दूँ, इसको विद्यावान कर दूँ, इसको समस्त विद्याओं से समस्त सिद्धियों से इसको आच्छादित कर दो। इसलिए भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन यानी शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक भगवान का करना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव जी का पंचाक्षर जाप ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जय शिव शंकर।